एस्ट्यूट एकेडमी यूएसए प्रतिनिधि मंडल ने विभिन्न विश्वविद्यालयों से मुलाकात की और शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों के बारे में छात्रों और अभिभावकों का मार्गदर्शन किया। इस मंडल का प्रतिनिधित्व डॉक्टर डोनाल्ड मार्टिन, पूर्व डीन कोलंबिया यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी और डॉक्टर ई वांग, रिसर्च स्कॉलर, स्टार्टअप ऑपरेशन एवं इनोवेशन विशेषज्ञ ने किया है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान एस्ट्यूट एकेडमी के अध्यक्ष डॉक्टर तुषार देवरस द्वारा दी गई। नागपुर दौरे के दौरान यूएसए प्रतिनिधि मंडल एवं इंस्टीट्यूट एकेडमी के अध्यक्ष डॉ. तुषार देवरस, एकेडमी के कार्यकारी संचालक मुकुल चिमोटे इनके साथ विविध कैंपस में भेंट दी। इनमें प्रमुखता से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, दत्ता मेघी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च सावंगी एवं केपी सालवे मेडिकल कॉलेज, जीएच रायसोनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी एवं एसबी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च नागपुर इत्यादि कॉलेजों का समावेश था। इस प्रतिनिधि मंडल ने विभिन्न संस्थानों के साथ शैक्षणिक सुधार, अमेरिकन शिक्षा प्रणाली और विद्यार्थियों के लिए अभिनव पाठ्यक्रम और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में सहयोग बढ़ाने हेतु चर्चा की। ऐसी भी जानकारी डॉक्टर देवरस द्वारा दी गई। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में चालू हुआ है। उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कि हमें इंटरनेशनल एजुकेशन के जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो इंडिया के कॉलेजेस में लाना है, हमें इंडिया के कॉलेजेस को स्ट्रेंथन करना है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इंडियन कॉलेजेस अभी फेस कर रही है रिसर्च का है, रिसर्च के लिए पैसा लगता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मई में गैजेट नोटिफिकेशन इशू किया कि जिसमें हम जॉइंट प्रोग्राम्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ में कर सकते हैं। तो एस्ट्यूट एकेडमी 25 साल से इस क्षेत्र में, हम यूएस बेस्ड कंपनी है, हमारे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के साथ में अच्छे रिलेशनशिप है। तो हम चाहते हैं कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के साथ में कोलैबोरेट करें। पहले ट्विनिंग प्रोग्राम से हम स्टार्ट करते हैं कि 2 साल हियर इंडिया, वहाँ पे जाना, बहुत सारी इनोवेटिव प्रोग्राम्स, फैकल्टी टू फैकल्टी एक्सचेंज होगा उसके बाद में, और उसके बाद में हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कोर्सेज भी इंडिया में रन करना चालू करेंगे। इंटरनेशनल फैकल्टीज यहाँ पे इंडिया में आएंगे, टीचर्स का हमारे यहाँ पे बहुत शॉर्टेज है, तो वहाँ के फैकल्टी इंगेज होगी। उसके बाद में हम लोग रिसर्च, जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स करना चालू करेंगे और हम एक स्टेज में आएंगे कि पूरा का पूरा कॉलेज जो है इंडिया में वो रिसर्च फंडिंग पे चलेगा, स्टूडेंट फीस से नहीं। आज हर कॉलेज स्टूडेंट फीस से चल रहा है, एक लिमिटेशन है हम कितनी फीस स्टूडेंट्स की बढ़ा सकते हैं। ओके, हर कॉलेज तो बड़ा बड़ा फीस चार्ज नहीं कर सकता और अफोर्डेबल भी नहीं है। तो क्वालिटी एजुकेशन और अफोर्डेबल एजुकेशन आज मासेस तक, छोटे छोटे गांवों तक अभी हमें पहुंचना है और ये एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है, एस्ट्यूट एकेडमी उस इनिशिएटिव को सपोर्ट करके इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया के साथ में कोलैबोरेट कर रही है। बेबी स्टेप्स लेके चल रहे हैं, पूरा प्रोजेक्ट 5 साल लगेगा पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट होने के लिए, बट 5 साल के बाद में हमें श्योर है कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ इससे करेंगी तो जिन्हें भी इंटरेस्ट होगा हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम पूरा बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ में उनको हेल्प करेंगे। अमेरिका में गुणवत्तापूर्ण एवं शिष्यवृत्ति के साथ शिक्षण के अवसरों के बारे में विद्यार्थियों में जागरूकता फैलाने हेतु सेमिनार लिए। इस सेमिनार को विद्यार्थी एवं अभिभावकों का प्रचंड प्रतिसाद मिला। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।